स्वागत है फ्रेंड आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड आज की इस वीडियो को आप लोगों ने ओपन किया है हमारा थंबनेल को देखकर और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो का लॉक कैसे तोड़े। फ्रेंड न्यू वीडियो है, न्यू अपडेट वीडियो है जिसमें हम आपको न्यू मेथड बताने वाले हैं और इस मेथड से आप ओप्पो फ़ोन का कोई भी मॉडल को अनलॉक कर सकते हो पासवर्ड पैटर्न पिन। अगर आपका ओप्पो फ़ोन इस प्रकार लॉक होता है और अनलॉक नहीं होता है तो आप लोग सर्विस सेंटर रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हो, पैसा देते हो, समय देते हो, फ़ोन में जो भी फैमिली फ़ोटो ऑडियो वीडियो है सब डिलीट होता है, उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो फ्री में आप सीखते हो ओप्पो का लॉक कैसे तोड़ा जाता है बिना सर्विस सेंटर गए, बिना पैसा दिए और बिना डाटा को डिलीट किए। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड और न्यू वीडियो को न्यू मेथड को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले जब आप अपने ओप्पो फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे आपको अपने ओप्पो फ़ोन में पासवर्ड पैटर्न पिन दिखेगा। जैसा कि इस फ़ोन में आपको फ्रेंड पासवर्ड लॉक दिख रहा है, आप यहाँ पर बार बार पासवर्ड पैटर्न पिन को ट्राई मत करना आपके फ़ोन में जो भी लॉक है। इस वीडियो पे आने से पहले भी आप लोग अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को ट्राई कर चुके होंगे। आप यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखेगा अपना पासवर्ड पैटर्न पिन के नीचे देखोगे तो इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी एसओएस दिखेगा। दोनों ऑप्शन एक ही हैं, इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी एसओएस। तो जिसके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल है वो इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर लीजिए और जिसके फ़ोन में इमरजेंसी एसओएस है वो इमरजेंसी एसओएस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, ये ग्रीन कलर का ऑप्शन देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करना, एक डायलॉग ओपन होगा जो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉल्स ओनली। यहाँ पे आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो, सिर्फ इमरजेंसी कॉल कर सकते हो। तो ये कोड सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, इस कोड का नाम FRP कोड। अगर आपको ओप्पो फ़ोन अनलॉक करना है आपको या सर्विस सेंटर वाले को या रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले को या हम लोग को खुद, हम लोग सबसे पहले FRP लॉक रिमूव करते हैं। सर्विस सेंटर वाले कंप्यूटर और लैपटॉप का मदद लेकर सॉफ्टवेयर के द्वारा FRP लॉक रिमूव करते हैं जिसमें आपका डाटा डिलीट होता है। ये ऑफलाइन मेथड है जिसमें आपका डाटा रिकवर होगा और इस कोड को एक बार नहीं तीन बार आपको कॉल करना है, इसलिए ताकि ये कोड आपके फ़ोन में एक्टिव हो जाए। कॉल पे क्लिक कीजिए, कॉल फील्ड का मैसेज आए, ओके कीजिए, 1, 2 एंड देन 3। अब ये कोड को एक एक करके इरेज कर लीजिए, ये कोड आपके फ़ोन में वर्किंग होगा, एक्टिव होगा और आपका टोटल जो भी FRP लॉक है वो रिमूव होगा। *#899# हमेशा एक्टिव रहने वाला कोड, आपको आफ्टर सेल पेज ओपन हो जाएगा फ़ोन में या इंजीनियर मोड नाम का पेज ओपन होगा फ़ोन में। 4 नंबर ऑप्शन ऊपर से दिखेगा आपको मैनुअल टेस्ट का, 4 नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, फर्स्ट पेज को कैंसिल करके सेकंड पेज पे आना और सबसे पहले हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। नीचे स्क्रॉल करना, जायरस्कोप वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना फ्रेंड। डाटा डिस्प्ले 3 नंबर ऑप्शन पे आप क्लिक करना, इस वर्क को आप अपने फ़ोन में 30 तक या 30 प्लस तक होने देना, जहाँ तक भी हो। अगर 30 प्लस हो गया, 30 पर आके रुक गया, आपका डाटा रिकवर और वीडियो किट में हम आपको डाटा भी दिखाएंगे फ्रेंड। तो ये वर्क आपको सीखना जरूरी होगा, आपको देखना जरूरी होगा। 30 प्लस हो चुका है, बैक कर लेना। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना होगा, यहाँ पे पास लाना होगा, फेल आएगा फिर से ट्राई करना है। स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट कर लेना है, लेकिन यहाँ पास आएगा तो ही आपका वर्क कंप्लीट होगा फ्रेंड। तो यहाँ पास आना जरूरी होगा, पास आ गया बैक कर लेना, चले जाना सबसे लास्ट पेज पे जिसका नाम होगा अदर्स। अदर्स पे आने के बाद रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और ये कोड सबसे पहले अपने फ़ोन में डायल करके ओके कर लेना। अगर ये रॉन्ग पासवर्ड आपके भी स्क्रीन पे शो करेगा तो आप समझना आपके फ़ोन में जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड है वो रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, यहाँ पे क्लिक करके आपको मेन वर्क करना है और चेक करना है यहाँ पास है या फेल। तो हम क्लिक करते हैं की स्टेटस पे, अपडेट हुआ, अब भी आपके सामने अपडेट हुआ फ्रेंड, नेम में जितना भी की है स्टेटस में सब पास 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 है। तो लॉक बटन चेक करना है आपको कि आपके ओप्पो फ़ोन का लॉक बटन कहाँ है, प्रेस करके रखे रहना। इस मेथड को करने के बाद रीस्टार्ट पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, सभी बंदे को रीस्टार्ट करना है, सभी बंदे को अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन को रीस्टार्ट पे लगा देना है। 30 या 40 सेकंड का थोड़ा समय लगेगा जिसमें आपको इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि फ्रेंड मैंने ये जो भी मेथड आपको बताया ना फ्रेंड वो मेथड अपडेट आया है, न्यू आया है, ये 2025 तक वर्क करेगा। आपको इस मेथड को सीख लेना है, देख लेना है अच्छे तरीके से और सबसे पहले अपना डाटा से रिकॉर्डिंग वर्क कर लेना है। डाटा रिकवर हो जाता है
तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है फ़ोन में सब आपका वापस हो जाता है। तो अब ये फ़ोन अनलॉक होने वाला है, आप लोग वीडियो में बने रहना और आप देख सकते हो फ्रेंड अपनी आंखों से कि ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अब फुल्ली तरीके से रीस्टार्ट हो चुका है। इस फ़ोन में पासवर्ड लॉक था, इस फ़ोन का पासवर्ड लॉक रिमूव हुआ। डाटा देख लो फ्रेंड, टोटल का टोटल इस ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन का डाटा रिकवर है। सर्विस सेंटर जाते हैं, पैसा लगता, समय लगता, ये डाटा भी लग जाता, तब जाकर आपका फ़ोन अनलॉक होता। लेकिन यहाँ जो भी वर्क को आप लोग को दिखाया गया, सर्विस सेंटर वाले ये वर्क आपको कभी नहीं दिखाते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और 5 मिनट के अंदर अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को चेंज जरूर कर लेना फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।